जय जय माता दी मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संसार, यह संसार बहुत ही आश्चर्यजनक है और बहुत ही आनंददायक भी है। सिद्धों ने जिस चीज को समझा है, हमारे सनातन ने जिस चीज को जाना है, उसके लिए ही आनंददायक है। बाकी संसारिक वस्तु, संसारिक व्यक्ति, संसारिक जीव के लिए ये पूर्ण रूप से संसार कष्टदायक है। यहाँ हर इंसान, हर वो इंसान जो शरीर धारण करके आया है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, जानवर हो, जीव हो, हर कोई दुख, तकलीफ, परेशानी, अगर शारीरिक परेशानी नहीं है तो मानसिक है, मानसिक नहीं तो शारीरिक, कोई ना कोई कष्ट जरूर है। सिर्फ यह संसार परम आनंदमय उसी के लिए है जिन्होंने सत्य को जाना है, जिन्होंने अध्यात्म को जाना है। उसके बाद तो यह दुनिया इतना मजेदार, इतना आनंदमय, इतना खुशियों से भरा है कि अगर आपको 100 साल भी मिल जाए तो भी आप सोचेंगे कि मेरे लिए जीवन बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा। क्योंकि अगर आपको आनंद में, हर पल खुशियों में रखा जाए तो 100 साल के भी समय एक पल में गुजर जाएगा। अगर वही चीज किसी व्यक्ति को जो दुख में है, तकलीफ में है, पीड़े में है, डिप्रेशन में, कष्ट में, या फिर अस्पताल में है, अगर उसे एक पल के लिए भी पूछोगे कैसा लग रहा है तो वह हमेशा रोते हुए नजर आएगा। तो आज मैं आपको एक रहस्य बताऊंगा, जीवन जीने का सूत्र बताऊंगा। चाहे 100 साल भी जी लेंगे तो भी आपको जीवन में कभी भी दुख, तकलीफ, कष्ट, परेशानी नहीं आएगा। यह मेरा आत्मज्ञान का जो अनुभव है उसे आपको बताऊंगा। सिर्फ आत्मज्ञान से ही संभव है इस दुनिया के रहस्य को समझ पाना। आप वीडियो देखकर या फिर किताबें पढ़कर, ग्रंथ पढ़कर कुछ भी नहीं जान सकते, यह तो पहली बात समझ लीजिए। जब तक आपको आत्मज्ञान ना हो, जब तक आत्म अनुभव ना हो, तब तक सही चीज को आप समझ नहीं पाएंगे। सिर्फ आप किसी की विचारधारा जिन्होंने आपको दिया है उसे पालन करेंगे तो उसमें सच्चाई हो ही नहीं सकता, वहां आपका अनुभव ही नहीं है। तो आत्मज्ञान जो चीज मैं बताऊंगा उसे खुद अनुभव करिएगा, क्योंकि यह मेरा अनुभव है। जीवन में सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ा दुख का कारण है अहम को बढ़ाना, अहम अभिमान, घमंड। में सबसे पहली चीज तो इसको नष्ट करना होता है इंसान को। प्राचीन से प्राचीनतम सनातन, हजारों लाखों वर्ष पूर्व भी अगर जाएंगे तो हर किसी ने अहम, अहंकार, मय की भावना को नष्ट करने की बात कही है। क्यों कही है? क्योंकि अहम की भावना नाम की कोई चीज ही नहीं है जिसे हम बढ़ा रहे हैं, और अहम की कभी तुष्टि भी नहीं हो सकती, उसका कभी पेट भरता ही नहीं है। तो अहम को सबसे पहले नष्ट कीजिए। नष्ट करने के लिए सबसे पहली चीज है आपको ध्यान साधना जरूरी है करना, तब जाके आप उस तत्व तक पहुंचेंगे जहां से आपने शुरुआत किया है, आरंभ किया है। क्योंकि आप शून्य से प्रारंभ होकर शून्य में ही जाएंगे, यह तो आत्म का अनुभव और प्रमाणित भी है। जब अहम खत्म हो जाएगा उसके बाद आपकी जो जीवन जीने का तरीका है, अर्थात वस्तुओं के साथ जो आपका लगाव है, वस्तुओं के साथ जो चिपके हुए हैं आप, जो आपको वस्तुएं प्रभावित करती है, इस सृष्टि की हर वस्तु हर व्यक्ति को प्रभावित करती है। जिसे वह देखता है, छूता है, महसूस करता है, हर चीज उसे अपने प्रभाव में डाल लेती है, और यहीं से शुरू होता है दुख और तकलीफ। आप वस्तु का आनंद नहीं ले पाते अपितु वस्तु आपको अपने साथ जकड़ लेती है, अपने साथ बंधन में बांध लेती है, जिससे कि आप निकल नहीं पाते और घोर से घनघोर दुख तकलीफ में पहुंच जाते। इसी के कारण कई लोग आत्महत्या, डिप्रेशन, तरह तरह की चीजें करती है। जबकि मेरे अनुसार, मेरा जो ज्ञान है, आत्मज्ञान है, वो यह कहता है कि यह जो जीवन परम आनंदमय, परम सुखियों से भरा है, खुशहाल है, इतना खुशहाल कि आपको 100 साल से भी अधिक का समय दे दूं तो एक क्षण ही लगेगा। बस रहस्य को जानना है, जीवन जीने के तरीका को जानना है, इस सृष्टि में सच को जानकर ही जीवन जीना है। अत्यधिक की कामना बिल्कुल भी ना करें। जहां अत्यधिक की कामना करेंगे वहीं से आपका फंसने का काम शुरू हो जाता है। ऐसे भी तो आप कुछ लेकर जाने वाले है नहीं, जो है यहीं पे है, जो भी रहेगा यहीं पे रहेगा, इसलिए जो है उसका अच्छे से आनंद पूर्वक प्रयोग करें। और इस रहस्य को समझे कि इस दुनिया में सब कुछ छूटने वाला है, तो आपका लगाव किसी से नहीं रहेगा, चाहे वस्तु हो, चाहे परिवार हो, हर चीज को आपको उसके साथ सदुपयोग करेंगे, हर चीज के साथ रहेंगे, हर चीज में आप रहेंगे, सहभागी रहेंगे, आनंद भी प्राप्त करेंगे, लेकिन फंसेंगे नहीं, जाल में नहीं फंसेंगे। इसे ही कहते हैं मुक्ति। मुक्ति का अर्थ यही है कि आप
हर चीज में है और किसी चीज में फंसे नहीं। सी व अर्थात जो है भी और नहीं भी, शी व भगवान शिव का वास्तविक स्वरूप भी यही है। और अगर आपको आपके आत्मज्ञान से संबंधित आत्मज्ञान जागृति के लिए कुछ चीजें जानना है तो आप पर्सनली नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। जय जय माता दी मित्रों।